हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। ज्ञानदीप क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं विकास, आज हम कक्षा 10 का गणित करेंगे। चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति जो है उसका हम पिछले सत्र में कर चुके हैं और उसी के आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तो हमने एक्सरसाइज 8.2 के कुछ क्वेश्चंस किए थे, तो उसके आगे ये करते हैं। अभी हम क्वेश्चन 2 का पार्ट 2 तक कर चुके हैं, तो तीसरा पार्ट हम करते हैं अभी। तीसरा पार्ट क्या कहता है कि इसमें दिया हुआ साइन 2a बराबर है 2 sin a। तो एक्सरसाइज 8.2 हम कर रहे हैं, सेकंड का तीसरा भाग। तीसरा भाग क्या कहता है, साइन 2a, साइन 2a बराबर है कितना है, 2 sin a, 2 sin a। अब भाई इसमें क्या करना है, इसमें ये बताना है कि ये कब सत्य होगा कि a का मान क्या होना चाहिए, a का मान क्या होगा कि ये सत्य हो जाए, कि ये दोनों बराबर आ जाएं, ऐसा a का मान बताइए। तो इसमें आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। क्या क्या ऑप्शन दिए हुए हैं देखिए, पहला ऑप्शन है 0 डिग्री, 0 डिग्री, दूसरा है, तीसरा है और चौथा है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। एक तो 0 डिग्री है, फिर 30, 45 और 60, 30, 45 और 60। अब देखिए आपके पास क्या ऑप्शन है यहाँ पे, ये कैसे हो सकता आसानी से, यानी कि आपको पता है इन चारों में से कोई एक ही उत्तर होगा, नहीं तो ज्यादा से ज्यादा कितना, इसमें से कौन सा एंगल बच गया, एक 90 डिग्री का एक कोण बच गया, 90 डिग्री का जो इसमें ऑप्शन में नहीं दिया गया, तो 90 डिग्री का तो पहले ही हट गया। अब क्या बचे, ये चार कोण है तो इन चारों में से एक का कुछ ना कुछ मान होगा, तो हम क्या कर सकते हैं, एक एक को रख के देख सकते हैं इसमें ए में कि इसका ये बराबर आता है या नहीं। जैसे मान लीजिए कि हम ए का मान रखते हैं कितना, 30, ए अगर 30 रख दिया तो देखिए साइन 2 और ए कितना है 30 डिग्री, बराबर है 2 sin 30। अब यहां देखिए कि जो ये है, पहले इसको मैं करता हूं, 2 sin 30 को हम क्या लिखेंगे, साइन 30 का क्या मान होता है, साइन 30 होता है 1/2, साइन 30 1/2 हो जाएगा। अब देखिए यहां पे हम क्या करेंगे, साइन 2 into 30, 2 × 30 है तो ये साइन 60 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम साइन 60 का मान निकालेंगे, ना कि साइन 30 का। तो यहाँ पे वैसे देख सकते हैं या तो कि 2 sin 30, 2 sin 30 है और ये साइन 60 है, तो इन दोनों का मान अलग अलग आ जाएगा। इसका क्या होता है, साइन 60 का रूट 3/2 और इसका 2 × 1/2, तो ये बराबर नहीं हो सकते। तो ऐसे ये साइन 30 अगर रखते हैं तो ये दोनों बराबर नहीं आएंगे। अब आप क्या कर सकते हैं, बाकी भी रख के देख सकते हैं, साइन 45 रखेंगे तो भी ये बराबर नहीं आएंगे, साइन 60 रखेंगे एक ही जगह तो भी ये बराबर नहीं आएंगे। अगर हम साइन एक ही जगह 0 रख देते हैं, साइन 2 और एक ही जगह ए का मान हमने 0 रख दिया, यहाँ पे भी 2 sin a का मान 0 रख दिया। अब आप मुझे बताइए कि साइन 0 का मान क्या होता है, साइन 0 का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी देखिए साइन 2 है, 2 into 0, 2 × 0 कितना हो जाएगा, 0 ही रहेगा, बराबर है 2 into sin 0 और साइन 0 का मान 0 होता है, और यहाँ पे भी 2 × sin 0 का मान 0 है। 0 को किसी चीज से भी, किसी नंबर से भी आप गुना करेंगे तो क्या रहेगा, वो 0 ही रहेगा। तो देखिए ये दोनों पक्ष बराबर आ गए, एक एक किस मान के लिए दोनों पक्ष बराबर आए हैं, एक एक ए का मान 0 होना चाहिए, तो कौन सा कोण है, ये 0 कोण होगा, तो ये दोनों बराबर आ जाएंगे, यानी कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा, पहला ए पार ए इसका उत्तर हो जाएगा। अब देखिए अगले पार्ट पे चलते हैं, इसका फोर्थ पार्ट है, तो इसका फोर्थ पार्ट क्या कहता है, 2 tan 30, 2 tan 30 / 2
एक माइनस टेन स्क्वायर 30। ये देख लीजिए कि 2 tan 30 है और 1 minus 10 square 30, इसके भी चार ऑप्शन दिए हुए हैं हमें। तो ठीक है, पहले इसको हल करके देखते हैं। उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए? अब तक तो टेबल याद हो गई होगी, तो बताइए 10 30 का मान कितना होगा? 10 30 को क्या लिखते हैं हम? 1/√3। 1 माइनस, अब 10 30 1/√3 तो हो ही गया, और इसका क्या है? वर्ग है, 10 square 30 है ना, तो इसका हम स्क्वायर कर देंगे। अब इसको आगे हल करेंगे तो 2/√3 आ गया, और नीचे क्या आ जाएगा? 1 माइनस, देखिए 1/√3 का स्क्वायर 1/3 आता है, और इसको आगे अगर हम हल करते हैं तो इसको क्या करेंगे? एलसीएम लेके माइनस कर देंगे। अब तो आप एक्सपर्ट हो गए होंगे, एलसीएम लेके माइनस करके क्या आ जाएगा बताइए आप? 2/3 आ गया। अब इनको क्या करते हैं, बाहर वालों को गुना करके ऊपर लिख देते हैं हम, और अंदर वालों को गुना करके नीचे लिख देते हैं। तो नीचे क्या आ गया? √3 × 2। अब 2 से 2 काट देंगे। अब यहाँ आगे देख लीजिए, 3 को हम क्या लिख सकते हैं? √3 × √3, और नीचे √3 है ही, तो इससे 1√3 कट गया। क्या बच गया उत्तर में? √3। अब देखिए कि जो हमारे पास ऑप्शन दिए हुए हैं वो क्या-क्या दिए हुए हैं। ऑप्शन है cos 60, sin 60, tan 60, या फिर sin 30। तो यहाँ पे कुछ ऐसा ऑप्शन तो दिया ही नहीं √3 की, जो √3 दिखे। तो अब आप बताइए क्या करें हम? इसमें कंफ्यूज होने की अब भी जरूरत नहीं है। इनमें से जो ऑप्शन है कोई ऐसा होगा, कोई वैल्यू ऐसी होगी जिसको हम √3 आएगा जिसका मान। तो ऐसी कौन सी वैल्यू है? यहाँ पे 10 60। 10 60 को हम, 10 60 को क्या लिखते हैं? √3 लिखते हैं टेबल में। तो हमारा क्या उत्तर हो जाएगा इसका? सी, जो इसका फोर्थ पार्ट है उसका उत्तर हो जाएगा सी। ये फोर्थ पार्ट यहाँ पे इसका खत्म होता है, क्वेश्चन नंबर 2 का। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। इसका अगला क्वेश्चन भी काफी आसान सा है। क्वेश्चन क्या कहता है? यदि टेन ए प्लस बी बराबर है √3, टेन ए प्लस बी ये बराबर दिया हुआ है √3 के, और एक और चीज दी है इसमें, क्या दी है देखते हैं। दूसरा दिया है और टेन ए माइनस बी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, और टेन ए माइनस बी, टेन ए माइनस बी किसके बराबर दिया हुआ है? 1/√3, 1/√3 के बराबर दिया हुआ है। इसमें एक चीज और दी हुई है कि ए प्लस बी किसके बीच में होगा? जो ए प्लस बी है, ए प्लस बी ये 0 से बड़ा होगा और 90 के बराबर या उससे छोटा होगा। और दूसरी चीज ये दी गई है कि दूसरा हमें बताना है, क्या बताना है? अब ए और बी का मान बताना है, ए और बी का मान बताना है, ए और बी इन दोनों का हमें मान बताना है। तो इन दोनों का मान बताने के लिए हम क्या करेंगे? यहां से शुरू करते हैं। क्या टेन ए प्लस बी बराबर है √3? अब मुझे यहां बताइए आप कि √3 टेन की फॉर्म में किसकी वैल्यू होती है, कितने डिग्री का आएगा टेन के साथ, जिसका मान √3 होगा। टेन कितने का मान? √3 होता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे टेन सिक्सटी, टेन सिक्सटी का मान √3 होता है। तो ये मैं लिख सकता हूँ टेन ए प्लस बी बराबर है √3 की जगह मैं टेन सिक्सटी लिख सकता हूँ, क्योंकि एक ही बात है, टेन सिक्सटी का मान √3 होता है। अब देखिए दोनों तरफ क्या आ गया, टेन इस तरफ भी आ गया, इस तरफ भी आ गया, और कोई चीज नहीं है यहाँ पे। तो अगर ये एक एक टर्म है दोनों तरफ, तो मैं इन दोनों को काट सकता हूँ। इस चीज का आप ध्यान रखना कि अगर ये एक एक टर्म होगी तभी मैं काट सकता हूँ। अगर ऐसा होता कि मान लीजिए टेन ए प्लस टेन बी इज इक्वल टू टेन
सी, तब मैं नहीं काट सकता था, क्यों? इस तरफ दो टर्म है, इस तरफ एक टर्म है, तो ऐसे नहीं कर सकते फिर हम, ये गलत हो जाएगा कि 10 से 10 काटते, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा तरीका। दोनों तरफ एक ही होना चाहिए, जैसे यहाँ पे है कि 10B इस तरफ है, 10C इस तरफ है, अब हम काट सकते हैं 10 से 10। तो इस चीज का ध्यान रखें आप कि अगर बीच में प्लस का निशान हो तो ना करें। यहाँ पे एक 10 है, एक 10 यहाँ पे, इसलिए मैंने 10 से 10 काट दिया। तो क्या बच गया? a+b बराबर है 60 डिग्री, a+b बराबर है 60 आ गया। ये मैं पहला समीकरण लिख देता हूँ। अब दूसरा समीकरण निकालते हैं। दूसरा समीकरण कैसे आएगा? यहां से आ जाएगा, 10a+a-b तो ऐसे ही लिख देते हैं जैसे लिखा हुआ है। अब यहां बताइए आप, 1/√10 कितने का मान होता है? कितने डिग्री? 10 30। 10 30 का मान कितना होता है? 1/√3। यहां फिर से 10 से 10 काट सकते हैं, तो ये आ गया a-b बराबर है 30। तो ये दूसरा समीकरण। अब ध्यान से देखिए, हमारे पास दो समीकरण आ गए, और दो समीकरण आ गए हैं तो इनको हम क्या करेंगे? हल कर लेंगे, और इनको हल करके एक एक का मान निकल जाएगा, क्योंकि दो अननोन, दो चीजों का हमें मान निकालना है, और समीकरण भी दो ही हैं, तो आसानी से निकल जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं? समीकरण एक और समीकरण दो को जोड़ने पर, इन दोनों को हम जोड़ देते हैं। जोड़ने पर क्या फायदा होगा? मेरे को कैसे पता लगा कि जोड़ने पे एक चीज का मान आ जाएगा? क्योंकि देखिए, यहाँ पे b प्लस है, धनात्मक है, और यहाँ पे b ऋणात्मक है, तो ये आपस में कट जाएंगे जोड़ने पे, तो सिर्फ a बचेगा, तो a का मान आसानी से आ सकता है इससे। देखिए कैसे आएगा, a+b बराबर है 60, और a-b बराबर है 30। इन दोनों को अगर हमने जोड़ दिया, तो जोड़ेंगे तो देखिए प्लस बी से माइनस बी कट गया, तो 2a बराबर है कितना आ गया? 90। तो a कितना आ जाएगा? a आ जाएगा यहाँ पे 45, a 45 आ गया। अब b हम आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? किसी भी एक समीकरण में हमने मान रखना है, तो ठीक है, हम a का मान रख देते हैं समीकरण एक में। अगर समीकरण एक में a का मान रख दिया, तो ये 45+b बराबर है 60 आ जाएगा, और b का मान क्या आ गया? 60-45, क्योंकि 45 दूसरी तरफ जाके इसका साइन बदल जाएगा, तो b बराबर है 15। अब यहां देखिए बच्चों, b का मान भी आ गया और a का मान भी आ गया है। इन दोनों चीजों का ही तो मान निकालना था हमें, a और b का, तो कितनी आसानी से हमने कर दिया। यहाँ पे क्या किया है, बस इस चीज का ध्यान रखना है कि हमने दोनों तरफ 10 की टर्म बना ली, दोनों तरफ 10 की टर्म बना ली, तो 10 से 10 हमारा कट गया। क्या बच गया? a+b बच गया इस तरफ, और दूसरी तरफ 60 बच गया। तो इसी फॉर्म में हमने दोनों चीजों को कर लिया, ताकि हम a और b का मान आसानी से निकाल सके। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप ऐसे करेंगे। इसके साथ हमारी एक्सरसाइज खत्म होती है। लास्ट का जो ट्रू फॉल्स है, सत्य कथन और असत्य कथन है, ये आप खुद करेंगे, और हम आप उस पे कमेंट्स में डिस्कस कर सकते हैं इसको। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो पांचवा जो इसका फोर्थ क्वेश्चन है, वो सत्य असत्य कथन है, तो उसको आप स्वयं करेंगे, खुद करेंगे। जो एक्सरसाइज हमने की, इसी के आधार पे आप उसको खुद कर सकते हैं। इसके बाद अगला टॉपिक हम शुरू करते हैं। अगला टॉपिक क्या है? पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या है? पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। तो यहाँ पे ये क्या चीज आ गई? ये अब एक्सरसाइज 8.2 खत्म हो चुकी है। ये चीज सीखेंगे, ये बेसिक है एक्सरसाइज 8.3 का। तो इसका बेसिक सीख के हम एक्सरसाइज 8.3 को कर सकते हैं आसानी से।
एक बारी हम रिवाइज कर लेते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या किया है। सबसे पहले हमने किया है सिंपल रेशियो, जो नॉर्मल त्रिकोणमितीय अनुपात किया था, याद आया आपको, पी बटे एच, बी बटे एच, इस प्रकार से किया था। ये किया था पी बटे एच, बी बटे एच, पी बटे बी। तो हमने क्या किया था, सबसे पहले सिंपल त्रिकोणमितीय अनुपात किए थे। उसके बाद क्या किया हमने, कुछ स्पेसिफिक रेशियो करी, जैसे टेन, 30 का क्या मान होता है 10, फिर 10, 45 का क्या मान होता है 60, 90, ऐसे करके। तो ये चीज हमने उसके बाद की, ये क्या थी, हमारे जो स्पेसिफिक रेशियो थी वो की हमने, यानी कि कोई खास जो कोण है ये 30, 45, 60, 90, तो ये चीज हमने इनके मान निकालने सीखे, तो इनके अनुपात किए थे। अब अगला क्या है हमारे पास, अगला आया है पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। तो मुझे ये बताइए सबसे पहले कि पूरक कोण कौन से होते हैं। पूरक कोण याद कीजिए, बहुत आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं छोटी क्लासेस से, कि पूरक कोण यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, इसको बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। इनको आप काफी पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो मुझे बताइए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल या फिर पूरक कोण क्या होते हैं। पूरक कोण, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, वो एंगल होते हैं जिनका योग कितना आता है, जिनका योग हो 90 डिग्री, जिनका योग 90 डिग्री। उदाहरण के तौर पे मैं अगर बोलूं ए प्लस एंगल बी, एंगल ए प्लस एंगल बी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो ये क्या हो गया, ये एक पूरक कोण हो जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे, पूरक कोण हो जाएंगे। अब इसी को थोड़े से अच्छे तरीके से समझने के लिए एक डायग्राम बनाते हैं हम। तो डायग्राम के लिए हम क्या करते हैं, एक त्रिभुज बना लेते हैं, यहाँ पे त्रिभुज बना लेंगे हम। इसमें मैं नाम दे देता हूं एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। इस त्रिभुज के तीन कोण है, कोण ए, कोण बी, कोण सी। यहाँ पे कोण बी कितना है, सम कोण है, यानी कि कोण बी का तो पता लग गया, ये है 90 डिग्री। अब मुझे बताइए कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180, उन तीनों में से एक कोण तो 90 का हो गया, तो बाकी दो कोण बचे, कौन से बचे, कोण ए और कोण सी, इनका योग क्या होगा, इन दोनों का योग 90 होगा। तो ये क्या हो गए, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी कि पूरक कोण हो गए। अब देखिए यहाँ पे जो हम रेशियो करेंगे वो किस प्रकार से करेंगे, वो अब मैं करने जा रहा हूं, तो इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान से समझें। अगर ए को हम मान लेते हैं एंगल थीटा, ए को क्या मान लिया, एंगल थीटा, तो बताइए सी क्या होगा, ए अगर एंगल थीटा होगा तो सी कितना होगा। अब ए प्लस सी कितना है, ए प्लस सी 90 है, ए को मैंने थीटा मान लिया प्लस एंगल सी बराबर है 90, तो एंगल सी कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, एंगल सी 90 माइनस थीटा होगा। तो इसको मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, 90 माइनस थीटा, ये हो गया एंगल सी, एंगल ए हो गया थीटा और एंगल सी हो गया 90 माइनस थीटा। अब देखिए साइन थीटा, थीटा तो ये है, साइन थीटा का क्या मान है, साइन थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं, पी बटे एच, साइन थीटा को ऐसे लिखते हैं पी बटे एच, और कॉस थीटा को क्या लिखते हैं, कॉस थीटा को लिखते हैं बी बटे एच। अब यहां आप ध्यान से देखिए, साइन थीटा को पी बटे एच लिखते हैं, कॉस थीटा को बी बटे एच। यहाँ पे पी क्या हो गया, पी हो गया, यहाँ पे देखिए अगर कोण ये है, थीटा ये है, तो परपेंडिकुलर कौन सा होगा, इसके सामने वाली भुजा, तो बीसी हो गया, बीसी और हाइपोटेन्यूज है एसी, तो बीसी बटे एसी क्या हो गया हमारा, साइन थीटा। अब कोस थीटा क्या होता है, बी बटे एच, लेकिन हम कोस कौन सा लेंगे, कोस 90 माइनस थीटा, कोस के साथ हम यहाँ पे ये वाला कोण लेंगे, कौन सा,
ये वाला सी वाला कोण लेंगे, जो 90 माइनस थीटा है वो लेंगे। लेकिन कॉस कुछ भी रहे बी बटे एच ही होता है। बी क्या है यहाँ पे देखिए, अब बी यहाँ पे कुछ चीजें बदल जाएंगी। क्यों बदल जाएंगी? क्योंकि थीटा अब हमारा ये है तो परपेंडिकुलर ये हो गया और बेस ये हो गया, तो बी यहाँ पे कितना है, बी सी बटे एच है ए सी। अब यहाँ देखिए बी सी बटे ए सी है, बी सी बटे ए सी है, तो आप मुझे बताइए कि ये दोनों बराबर हो गए। बी सी बटे ए सी यहाँ पे भी है और बी सी बटे ए सी यहाँ पे भी है, ये दोनों बराबर हो गए। तो क्या इस चीज से मैं ये लिख सकता हूं कि साइन थीटा बराबर है कोस 90 माइनस थीटा? साइन थीटा बराबर है कोस 90 माइनस थीटा, ये आपका यहां से आता है। तो ये क्या आ गया, इसका एक फॉर्मूला आ गया। कौन सा फॉर्मूला आ गया? पूरक कोण का फॉर्मूला। अब देखिए इस चीज को ध्यान से अगर समझें तो इसका हम उल्टा भी लिख सकते हैं। उल्टा कैसे लिख सकते हैं? कॉस थीटा बराबर है साइन 90 माइनस थीटा, ये लिख सकते हैं। इस चीज की आप फोटो खींच लीजिए, फोटो क्लिक कर लीजिए कि ये मैंने यहाँ पे ये समझाया है कि ये फॉर्मूला आपका कैसे बनता है, कहाँ से आया। मैंने एक त्रिभुज की मदद से, ट्रायंगल की मदद से समझा दिया है। तो इसकी आप फोटो क्लिक कर सकते हैं, देख सकते हैं इसको कि ये फॉर्मूला कैसे आता है। अब देखिए ये तो हमारे दो फॉर्मूले बने हैं, इसके अलावा चार फॉर्मूले मैं कैसे बनाता हूं इसी से। यहीं पे लिख सकते हैं हम बाकी के फॉर्मूले भी। देखिए साइन कॉस, इनके पेयर यहाँ पे कैसे होंगे, बस आपको पेयर का ध्यान रखना है। साइन थीटा और कॉस थीटा का पेयर होगा, एक होगा टेन थीटा का पेयर और कॉट थीटा, टेन थीटा कॉट थीटा, फिर सेक थीटा और कोसेक थीटा, ये पेयर आ जाएंगे। अब इनसे फॉर्मूले क्या क्या आएंगे ये चीज ध्यान से देखिए आप। साइन थीटा कोस थीटा का बता दिया, टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा को हम लिख सकते हैं कोट 90 माइनस थीटा, और इसका उल्टा भी लिख सकते हैं, कोट थीटा बराबर है टेन 90 माइनस थीटा। अब देखिए दो फॉर्मूले ये बन गए। इसी प्रकार से सेक थीटा लिख सकते हैं क्या, सेक थीटा कोसेक 90 माइनस थीटा आ जाएगा, और कोसेक थीटा क्या आ जाएगा, सेक 90 माइनस थीटा। तो देखिए यहां से कितने फॉर्मूले आ गए हमारे पास, ये छह फॉर्मूले आ चुके हैं। तो छह फॉर्मूले यहाँ पे आपको यही काम आएंगे इस एक्सरसाइज 8.3 में। तो मैंने बता दिया ये छह फॉर्मूले कैसे आए। अब आप ध्यान दीजिए कि ये फॉर्मूले आपको याद करने हैं या फिर आसानी से याद हो जाएंगे अब तो, क्योंकि आपको पता लग गया कि ये कैसे निकालते हैं और इनकी क्या क्या पेयर होती हैं। तो इसी के साथ आज का लेक्चर हम खत्म करते हैं। अगर आपका किसी का छूट गया हो तो आप हमारे YouTube चैनल DD उत्तराखंड पे देख सकते हैं। थैंक यू एंड हैव नाइस डे।